दशहरा के हंसी खुशी के माहौल के बीच एक परिवार के मुखिया की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के छिपाधोहर थाना क्षेत्र स्थित जमुमटिया तालाब से एक शव बरामद किया गया है। शव की पहचान सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक प्रदीप कुमार अपने दो बच्चों के साथ तालाब में कमल का फूल तोड़ने गए थे। फूल तोड़ने के लिए वे जैसे ही तालाब में घुसे, इसके बाद वे बाहर नहीं निकले। बच्चों ने इसकी खबर अपने घर जाकर दी और अपने पिता के डूबने की खबर गांव वालों को बताई। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां सुना वहीं से तालाब की ओर भागा। काफ़ी खोजबीन के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। इस घटना की सूचना छिपाधोहर थाना को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और अंत्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरी घटना की छानबीन भी कर रही है। बता दें कि इस घटना से शिक्षक प्रदीप कुमार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दशहरा के उत्सव के बाद गाँव में भी मातम का माहौल पसरा हुआ है।